यूपी बुलेटिन लाइव की रिपोर्ट। श्रावण मास तीसरे सोमवार को संभलहेड़ा मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। सिद्धपीठ पर जलाभिषेक करने पहुंचे भट्टीवाले अमरपाल पुनिया, एडवोकेट मनीष शर्मा ने कहा बाबा ने बुला लिया। मुजफ्फरनगर जानसठ तहसील क्षेत्र के संभलहेड़ा सिद्धपीठ पर श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भी श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। वहीं भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे एडवोकेट मनीष शर्मा और अमरपाल सिंह पुनिया भट्टी वालों ने बताया कि आज बाबा के दर्शन और बाबा को स्नान करने की मन में इच्छा जगी तो चल पड़े और बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमारी बाबा को नहलाने की यह मनोकामना पूर्ण हो गई। प्राचीन सिद्धपीठ श्री शिव मंदिर पर मुख्य पुजारी पंडित अंकश कुमार भारद्वाज और पंडित रमेश चंद शुक्ला ने बताया कि यह तीन सिद्धपीठ में से एक है। इस शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की श्रद्धा पूर्वक मांगी गई मनोकामना औघर दानी महाशिव अवश्य पूरी करते हैं। संध्या के समय बाबा का स्नान श्रृंगार कर महाआरती की गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारे के साथ माहौल शिव में हो गया। इसके बाद प्रसाद वितरण किया। ले लो कोई नहीं। काम हो रहा था जो है यहां सब कुछ आ जाएगा। तो ये एशिया का तीसरा शिवलिंग कहा जाता है। ऐसे शिवलिंग वर्ल्ड में सिर्फ तीन ही हैं,
पहला शिवलिंग नेपाल काठमांडू में है, दूसरा शिवलिंग मेवाड़ क्षेत्र चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, और तीसरा संबलड़ा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की मान्यता क्या है? मान्यता ये है, यहाँ जो शिवलिंग है वो पंचमुखी शिवलिंग है, कसौटी पत्थर का बना हुआ है, जिस पत्थर से सोने की टेस्टिंग होती है उस पत्थर का शिवलिंग है। शिवलिंग में 5 मुख बने हुए हैं, एकादश रुद्र भगवान के जो 11 रुद्र होते हैं वो 11 रुद्र बने हुए हैं, और विशाल शिवलिंग है। और सोमवार का दिन है, आज भक्त दूर दूर से आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं।